हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव सिंगल और आज नया दिन है और शुरुआत करते हैं अपना नया दिन नई गाड़ी के साथ। पिछली वीडियो में विशेष के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ज़्यादा भाई पूछ रहे थे कि किया सेल्टॉस क्यों नहीं ली और मतलब सोनेट क्यों नहीं ली। तो भाई कि जैसा कि ये 14 लाख की पड़ गई थी तो मतलब बहुत ज़्यादा वो आ रहे थे कमेंट्स कि भाई ये क्यों नहीं ली, वो क्यों नहीं ली। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि वो वाली क्यों नहीं ली और ये क्रेटा ही क्यों ली सेल्टॉस की बजाय। चलो तो फिर अब मेन बात कर लेते हैं कि अपनी EX के बारे में कि इसमें मतलब हमें क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं और इसमें मतलब क्यों वैल्यू फॉर मनी है सबसे ज़्यादा ये, और इस पर वेटिंग भी बहुत ज़्यादा लंबी खींचते हैं कंपनी वाले। जैसे ये गाड़ी हमें 14,10,000 रुपये की पड़ी है तो इसमें हम जानेंगे कि ये गाड़ी वर्थ इट है इतने के लिए या नहीं है, और मतलब इसमें जो फीचर्स हैं वो हैं इतने काम के या नहीं, और कि मतलब गाड़ी कैसी है चलने में वगैरह सब चीज़ें बताऊँगा आज मैं आपको इस वीडियो में। मतलब इंट्रो वगैरह देने में भी बहुत टाइम निकाल दिया हमने, चलो फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। चलो तो फिर जल्दी से देख लेते हैं। और भाई मतलब ना मेरे को आपको एकदम स्टॉक गाड़ी दिखानी है जो कंपनी वाले देते हैं ना हमें, क्योंकि मैं इसमें कल एक दो चीज़ लगवा लूँगा जैसे मैट हो गई या रूफ रेल्स की भी सोच रहा हूँ मैं, बढ़िया लगेंगी स्पोर्टी लुक, और स्पॉइलर वगैरह कंपनी देती है हमें पहले से ही, तो मतलब मैं एक दो चीज़ लगवाई सोच रहा हूँ। तो अभी एकदम स्टॉक गाड़ी, इसमें एक भी चेंज नहीं करा और गाड़ी थोड़ी सी गंदी हो गई है क्योंकि चल रही है वो गाड़ी लगातार, तो इसलिए तो मतलब वैसे साफ़ है एकदम, अभी साफ़ करके लाया हूँ। तो मतलब वैसे सब चीज़ मैं आपको बताऊँगा क्या क्या चीज़ मिलती है हमें, कैसी कैसी है इसमें। और मैं एक बात और बता दूं कि अगर आप इसका टॉप मॉडल लोगे ना तो टॉप मॉडल में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं मिलेंगे आपको। एक तो यहाँ आपको एक ट्राई हेलो बीम मिल जाएंगी, इसकी तीन LED मिल जाएंगी आपको यहाँ पे, और एक जो DRL देख रहे हो आप तो इसमें सिंपल लाइट है उसमें आपको DRL वैसे मिलेंगी इसमें, तो मतलब हमें ऑन करनी पड़ती है ना, तो जैसे ही आप उसमें गाड़ी का इग्निशन ऑन करोगे तो अपने आप चल जाएंगी। एक आपको मेन फ़र्क मिलता है यहाँ पे अलॉय व्हील्स का अगर आप टॉप पे जाते हो, आपको यहाँ पे ग्रिल में चेंज मिलता है, उसमें आपको टॉप मॉडल में यहाँ क्रोम की ग्रिल मिलती है और इसमें आपको सिंपल ग्रिल मिलती है, बाकी डिज़ाइन सेम यही मिलता है जो इसमें दे रहे हैं। और तो बाकी कोई ऐसा कोई खास चेंज है नहीं। यहाँ पे आपको इसकी पार्किंग लाइट या आपको इंडिकेटर से यहाँ मिल जाते हैं, वो टॉप में भी ऐसे ही हैं। फेंगर लाइन में आपको कोई प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगी इसमें, जो बहुत बढ़िया बात है इसके लिए। और एक सबसे मेन डिफरेंस यहाँ पे आपको वाइपर नहीं मिलता इस वाले वेरिएंट में, बाकी शार्क फिन एंटीना हो गया और कैमरा वगैरह वो बाद में लगवाया हमने, और बाकी ये ऐसी वाली लाइट्स मिल जाती हैं आपको, और पीछे वो पार्किंग लाइट और रिफ्लेक्टर वगैरह। और सबसे मेन बात तो भाई ये सिल्वर कलर की स्ट्रीट प्लेट मिलती है जो कि टॉप में भी दे रहे हैं ये। ये तो भाई बात हो गई कि मतलब आपको क्या क्या इसमें प्रोवाइड हो जाता है कंपनी की तरफ से, और आपको मतलब कुछ ज़्यादा ऐसे कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और तो मैं आपको सबसे मेन बात बताऊँ इसमें तो मतलब भाई काफ़ी मस्कुलर है गाड़ी, अगर आप फोटो वगैरह वीडियो में देखते हो ना यूट्यूब वगैरह पे किसी की तो आपको हो सकता है इसमें इतना पता ना लगे, पर लेकिन अगर आप असलियत में देखोगे ना तो भाई काफ़ी प्राउड लुक है इसका आगे का, मतलब यहाँ से शुरू हो गए भाई और यहाँ तक जा रहा है, मतलब आप खुद सोच लो अंदर बैठ के ना फॉर्च्यूनर वाली फीलिंग आती है, आप ऐसे सोच लो अपने आप देख लो, मतलब बोनेट वगैरह एकदम अच्छे से विजिबल होता है इसका, वो मैंने आपको डिलीवरी वाली वीडियो में भी दिखाया था उसमें ही बता रहा हूँ मैं, तो बोनेट वगैरह ना भाई एकदम अच्छे से विजिबल होते हैं, मतलब मज़ा आ जाता है बैठते ही। और भागने वगैरह में पिकअप बहुत तगड़ा भाई इसका, मतलब ऐसे मान लो पंजा दाबते ना ऐसे जाती भाई गोली की ढाल है सू सू आगे को, तो मतलब बहुत तगड़ा पिकअप मिलता है इसमें। अगर इस टाइम आप अभी कोई हैचबैक या सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV चला रहे हो ना तो, और अगर आपको अपग्रेड करना है तो आपका बजट अगर 11 से 20 लाख के बीच में है ना तो आप इस पे या सेल्टॉस भी आप एक बार देख सकते हो, मतलब लुक वगैरह में सेल्टॉस ही बढ़िया, पर फ्यूचरिस्टिक लुक अगर आपको चाहिए और मतलब एकदम नई तरीके की लुक चाहिए ना तो भाई सबसे तगड़ी ये है आपके लिए। तो मतलब अगर आप कोई छोटी गाड़ी चला रहे हो और अगर आपको अपग्रेड करना है तो आप मतलब इसके लिए फॉर श्योर देख सकते हो एक बार कि मतलब इसमें ना बहुत तगड़ी लुक मिल जाती है आपको, मतलब ना काफ़ी ज़्यादा हैवी लुक प्रोवाइड कर देती है गाड़ी आपको इस पे। अगर आप EX वेरिएंट ले रहे हो ना ये वाला तो मैं आपको इस वीडियो में ये नहीं कहूँगा कि आपको मतलब किसी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा किसी फीचर के साथ या कुछ करना पड़ेगा, अगर आप बेस लो ई जो ई से एक नीचे वाला है तो उसमें तो मैं आपको कह सकता हूँ, क्योंकि उसमें देखो एक तो स्क्रीट प्लेट इसमें एक ब्लैक मिल जाती है उसमें, और इसमें आ रही है सिल्वर जैसे टॉप में आती है, और बाकी इसमें फॉग लैंप वगैरह ना पार्किंग लाइट कुछ नहीं मिलती आगे, और सबसे ज़्यादा बड़ा मेन डिफरेंस जो स्पॉट होता है वो इसकी इंडिकेटर का, वो यहाँ की जगह फेंडर पे मिलता है आपको यहाँ पे इस साइड, तो वो चीज़ बहुत बकवास लगती है देखने, मतलब बेस वेरिएंट तो ख़त्म है और ना आपको कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता, तो बेस अगर आप चाह रहे हो लेना तो मैं कंसीडर नहीं करूँगा उसको आपकी लो से, तो सजेशन नहीं है मेरा बेस के लिए। अगर आपको लेना है ना बेस में तो आप इसको ही कंसीडर करके लो बेस, क्योंकि इसमें आपको जो जरूरत के फीचर हैं सब चीज़ मिलती है इसमें आपको, कि तो जो इसमें हेडलाइट मिलती है ना आपको, मतलब आपको ऐसे DRL मिल जाते हैं कुछ सी शेप में ऐसे करके, और यहाँ पे जो आपको मिलती है हेलोजन बल्ब मिलता है प्रोजेक्टर में, तो मतलब इसका थ्रो काफ़ी ठीक है, मतलब ऐसे नहीं है बहुत बकवास है ऐसा भी नहीं है, बहुत बढ़िया थ्रो है, तो मतलब ठीक ठाक थ्रो मिल जाता आपको इसमें रात के टाइम पे। ऐसी सेम इस साइड है कि यहाँ पे DRL देते हैं सी शेप में, यहाँ पे प्रोजेक्टर है, लोअर हाई बीम दोनों इसी में मिलती हैं, और नीचे की साइड बात करते हैं तो कंपनी से आपको इसमें लग के
आते हैं बस एक केवल पार्किंग लाइट, ये हमने अलग से एक्सेसरी लगवाई है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको फॉग लैंप मिल जाती है और यहाँ पे मिल जाती है आपको पार्किंग लाइट, तो ये बहुत बढ़िया लगती है देखने में रात में कॉम्बिनेशन का, मतलब बढ़िया रहता है। अगर आप टॉप मॉडल कंसिडर करते हो उसकी जगह, तो टॉप में आपको यहाँ पे मिलती हैं वाइट कलर की या ब्लू कलर की, मतलब एल ई डी लाइट्स मिलती हैं तीन यहाँ पे, ट्रायो बीम और यहाँ पे आपको फॉग लैंप सेम ये चीज़ मिलती है यूनिट, तो मतलब वो कॉम्बिनेशन बहुत बकवास हो जाता है देखने में, क्योंकि ऊपर से ब्लू लाइट खुलती है और नीचे से फिर जलती हैं ऐसी लाइट, तो मतलब इतना बढ़िया नहीं लगता देखने में। अगर हम बात करते हैं डी आर एल्स की, तो अगर आप टॉप मॉडल भी लेते हो ना इसका जो मतलब एस एक्स ऑप्शनल है, तो उसमें डी आर एल आपको सेम ये डिज़ाइन की मिलती हैं, बस ये है कि उसमें एल ई डी हो जाती है, मतलब ये एल ई डी नहीं मिलती है आपको पर, लेकिन अगर आप टॉप लेते हो तो मतलब थोड़ी मोटी हो जाती हैं और ज़्यादा, और मतलब जैसे आप अपने मतलब इग्निशन ऑन करोगे ना वो तुरंत ऑन हो जाती है, इसमें तो हमें मतलब करनी पड़ती है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे होती है सब चीज़ आगे। लेकिन भाई मैं अगर सही बताऊँ ना तो मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंदर से एक सेकंड में लगता है उसको घुमाने में इंडिकेटर के लिए, तो ज़्यादा कोई टाइम की बात नहीं है, बस एक सेकंड लगता है मुश्किल से उसको ऑन करने के लिए, तो मैं तो कोई कहूँगा नहीं कोई दिक्कत है मेरे लिए, मेरे को तो बढ़िया लगती है ऐसे भी, मतलब रात में तो दिखती हैं इसकी लाइटिंग पर, लेकिन जब दिन में भी हम डी आर एल खोलते हैं ना इसकी, तो डी आर एल की मतलब जो लाइटिंग है ना बहुत बढ़िया लगती है और अलग से चमकती है पीछे से देखने में कि हाँ कुछ जल रहा है लाइट का आगे। बाकी यहाँ पे अगर आप अंदर से यहाँ का डिज़ाइन देखते हो तो यहाँ पे आपको ये ऐसे मिल जाता है, यहाँ क्रोम का काम अंदर को भी लाइट के, तो ये बढ़िया लगता है। और बाकी ग्रिल कुछ ऐसी दिखती है इसकी आगे से देखने में, यहाँ पे आपको मतलब सिल्वर फिनिश मिल जाती है और यहाँ आपको ब्लैक काम होता है, प्लास्टिक है शायद, और यहाँ पे आपको ऐसा लोगो मिल जाता है, यहाँ पूरा क्रोम का है, तो मतलब बढ़िया ये लोगो तो देखने में, जैसा कि आप बाकी गाड़ियों में देखते हो कि ये जो ये चीज़ होती है ना यहाँ से अंदर से ये चीज़ बंद रहती है, ये देखो इसमें जैसे खुली हुई है एकदम, और ऐसे नहीं है कि यहाँ से आधी खुली हुई है आधी बंद है, फिर यहाँ से खुली हुई है यहाँ बंद है, ऐसा नहीं है इसमें, तो मतलब इतना हिस्सा यहाँ का बंद है ऐसे यहाँ पे इतना हिस्सा बंद है, और ये पूरी खुली हुई मिलती है इससे कि मतलब अपना एयर का इनफ्लो आउटफ्लो अच्छे से होता रहे, मतलब ऐसी कुछ ग्रिल मिल जाती है ऐसी लंबी लंबी उसमें। और अब बात कर लेते हैं नंबर प्लेट फ्रेम की, तो इसमें मतलब अगर आप किया के देखोगे ना तो किया में आपको यहाँ पे ये चीज़ कुछ नहीं मिलती बॉर्डर वगैरह नंबर प्लेट के लिए, वहाँ पे आपको सेम बस बम्पर मिलता है, आपको बम्पर के ऊपर ही लगानी पड़ती है नंबर प्लेट भी पर, लेकिन इसमें आपको अलग से कंपार्टमेंट दे रखा है कि यहाँ पे नंबर लगाने का, अपनी नंबर प्लेट लगाने का, तो मतलब आप बढ़िया लगता है देखने में, यहाँ से कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपको बम्पर में छेद करना पड़ेगा, ये चीज़ अलग से दे रखी है कंपनी वालों ने। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक टोइंग हुक और ये पीछे इसको कसने के लिए यहाँ पे मिल जाते हैं आपको डिग्गी वगैरह में टूल किट के साथ सब चीज़ें, और ऐसा कुछ आपको फ्रंट लुक मिलता है आपको टोटल कंप्लीट इसका कंपनी से ऐसी हो गया आता है इसमें। और फ्रंट में आपको स्किट प्लेट भी ऐसी मिल जाती है सिल्वर कलर की, और इसमें ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है 190 mm का, पर लेकिन जो इसमें नीचे पार्ट दे रखा ना प्लास्टिक का, इसके वजह से थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाती है, पर लेकिन ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है, छड़ जाती है गाड़ी अपनी कहीं भी छड़ानी हो तो अगर आपको। और मॉडिफिकेशन वगैरह की बात करूँ तो आपको अगर सोच रहे हो इसमें और कुछ करवाऊंगा तो इसमें कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, सब चीज़ आती है, बस एक रूफ रेल्स की वो लग रही है कमी इसमें, बाकी तो आपको जो जो चीज़ चाहिए फॉग लैंप हेडलाइट में डी आर एल वगैरह सब चीज़ दे रही है कंपनी, और 16 इंच के आपको इसमें साइज़ मिल रहा है, उसकी बात अभी हम करेंगे आगे। और बैक में भी आपको रेयर में सब चीज़ मिल रही है, और यहाँ फेंडर लाइन की जगह आपको इंडिकेटर भी यहाँ मिल जाते हैं, सबसे बढ़िया चीज़ तो मेरे को ये लगती है इसमें, तो इसमें मतलब जो जो चीज़ चाहिए सब चीज़ मिल रही है, तो मॉडिफिकेशन की जरूरत है नहीं इसमें। और यहाँ पे अगर हम बोनट देखते हैं तो मस्कुलर तो है ही, और साथ में आपको यहाँ पे मतलब शार्प एजेस मिल जाते हैं, ऐसे लाइन सी खींच रही है यहाँ पे, ऐसे आ रही है ऐसे ऐसे, इस साइड में आपको ऐसे ऐसे लाइन मिल जाती है, तो काफ़ी मस्कुलर लगता है। और यहाँ पे भी आपको सिल्वर फिनिश का काम मिल जाता है साथ में, तो मैं बता चुका हूँ वैसे, और साथ में आपको आगे का जो ये होता है ग्लास, ये आपको काफ़ी ब्रॉड लुक प्रोवाइड करता है अंदर से बैठ के, मतलब पूरा दिखता है विजिबल आगे का बोनट वगैरह साइड में क्या है क्या नहीं है, तो और साइड में जो ए प्लेयर है इसका ये भी मतलब ज़्यादा कोई थिन नहीं है, पर फिर भी बिल्ड क्वालिटी इसके अभी तक बढ़िया बताते हैं लोग जो भी हैं। तो बात कर लेते हैं इसके व्हील बेस की, तो आपको कुछ ऐसे इसमें व्हील मिल जाते हैं, और साइज़ मैं आपको बता देता हूँ इसमें, तो साइज़ आपको आता है इसमें 205/65/16 का, तो 205 मतलब मैं बताऊँ 205 तो होगा ऐसे, और उसके बाद 65 होगा ये, और 16 का मतलब होगा पूरी रेडियस जो है इसका पहिए का, तो 16 इंच के पहिए मिलते हैं आपको ऐसे, और अलॉय व्हील से ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं फिलहाल तो देखने पे गाड़ी पे। टायर इसमें आपको मिल जाता है पोलो कंपनी का, मतलब बढ़िया कंपनी है, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, और वारंटी वगैरह भी मिलती है इनमें साथ में, मतलब व्हील बेस और साइज़ वगैरह में कोई तो दिक्कत है नहीं, बढ़िया है अपना। एक बार इसके लुक की बात कर लेते, सबसे अट्रैक्टिव लुक मेरे को इसका लगता है बैक साइड से, तो पीछे से कुछ ऐसा लुक मिलता है आपको, और ये मतलब काफ़ी ज़्यादा चमकता है अगर आपकी गाड़ी पार्किंग में भी खड़ी है ना, और अगर आप मतलब आते हो नीचे देखने गाड़ी तो सबसे पहले आपको बैक साइड दिखती है, तो मतलब बैक साइड बहुत ज़्यादा इसकी क्या कहें उसे, मतलब प्रीमियमनेस मिलती है आपको बैक साइड में सबसे ज़्यादा, कि मतलब यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक मिल जाता आपको, और यहाँ पर ऐसी लाइट मिलती हैं कुछ, और यहाँ पर भी आपको ये आपको यहाँ पे बैक करने के लिए नीचे मिलता है, और यहाँ पे आपको ब्रेकिंग लाइट मिल जाती है, और ये आपको पार्किंग लाइट मिलती है यहाँ पे, और ये अपनी डी आर एल की तरह जल जाती है ऐसे हम आगे से ऑन करते हैं। और बैक साइड में यहाँ पे आपको ब्रेकिंग लैंप मिल जाता है, जो भी कहते हैं इसे स्टॉपिंग लैंप ब्रेकिंग लैंप, और यहाँ पे सेम आपको वही यूनिट मिल जाती है, तो आपको इस साइड मिलती है, तो ये सारी चीज़ होगी बात। अब नीचे आपको दिखाता हूँ मैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाती है बैक लाइट,
ये कंपनी से पहले से ही आती है हर मॉडल में, और यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, और बैक साइड में भी आपको यहाँ सिल्वर कलर की स्किड प्लेट मिलती है जो कि इसकी प्रीमियम ने इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है एक साथ ही देखने में। और बैक साइड में बात करता हूँ तो मैं आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, और फुल पत्ते अभी तक लगी रही हैं इनकी कि अभी तक छुटवाई नहीं है, जब अपने आप हवा छोड़ेंगी तोड़ जाएंगी, बाकी ऐसी कोई जरूरत है नहीं अभी अपना फटाने की, अभी नहीं लगने तो गाड़ी भी नहीं तो है ही, एक दिन हुआ ले हुए। पर नंबर वन लुक मेरे को लगती है इसकी बैक साइड से, रेयर साइड इसकी बहुत ज़्यादा प्रीमियम आती है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ से साइड लुक, तो साइड लुक इसका मतलब भाई बहुत ज़्यादा तगड़ा लगता है। अगर आप ब्लैक कलर ले रहे हो ना तो ब्लैक कलर यहाँ तो ब्लैक रहेगा, और ये चीज़ आपको सिल्वर फिनिश में मिलती है, तो यहाँ से लेके ऐसे यहाँ तक आपको सिल्वर मिलती है, ए प्लर से लेके सी प्लर तक, तो ये ब्लैक कलर में बहुत ज़्यादा चमकती है चीज़। और अब बात करते हैं इसकी, ये ए प्लर में तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ग्लॉसी ब्लैक काम हो जाता है यहाँ पे, जैसे बैक साइड में मिलता है आपको। ब्रेकिंग की बात करते हैं तो इसमें आगे आपको मिलती है डिस्क ब्रेक और पीछे मिलती है ड्रम ब्रेक, पर लेकिन भाई ब्रेकिंग में बताऊँ ना ऐसी है इसकी कुछ कि जैसी ब्रेक लगाते हैं ना गाड़ी वहीं की वहीं रुक जाती है, ऐसे नहीं है कि मतलब जैसे मारुति की गाड़ी में होता है कि चाहे डिस्क ब्रेक आ रहे हो अगर और पीछे की साइड आपको ड्रम ब्रेक मिल रहे हैं फिर भी मतलब ब्रेकिंग बहुत बकवास रहती है उनमें कि आवाज़ आने लगती है अगर एक साथ कस के ब्रेक दबा दो तो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तो मतलब हल्के से ब्रेक दबाने पे गाड़ी वहीं की वहीं रुक जाती है, ऐसे नहीं गाड़ी भागे जा रही है आगे को। तो इसमें आपको ABS EVD वगैरह सब चीज़ मतलब सेफ्टी कंट्रोल वगैरह सब चीज़ आपके हाथ में रहती हैं इसमें, और साथ के साथ इसमें आपको दो एयर बैग भी मिल जाते हैं, तो मतलब बढ़िया फीचर रहती हैं वो सब चीज़ें। और ब्रेक पीछे से मतलब पीछे ही ड्रम मिलते हैं, और यहाँ आगे की साइड आपको मिल जाते हैं डिस्क ब्रेक। बस इसमें केवल एक चीज़ सबसे ज़्यादा बुरी लगती है कि यहाँ पे आपको अगर आप टॉप वेरिएंट ले रहे हो ना 17 वाला तो इसमें आपको ऑटो फोल्डेबल मिलते हैं, पर लेकिन इसमें आपको ये सिंपल मिलते हैं, तो अगर आपको फोल्ड करने हैं ना तो आपको यहाँ से करने पड़ेंगे अंदर, तो मतलब आपको यहाँ नीचे से करना पड़ेगा, जैसे ब्लैक साइड जो है ना यहाँ से पकड़ के खींचो यहीं से बंद करो तो मतलब अपने हो जाते हैं, पर ये ज़्यादा बंद खोल करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने घर पे पार्किंग है वहीं कर लो अपने पार्क, तो कोई ज़रूरत पड़ती है नहीं हमें तो ऐसे फोल्ड करने की से। और यहाँ पे बात कर लेते हैं तो आपको ये चीज़ मिल जाती है, यहाँ पे बारकोड वगैरह यहाँ सब रहते हैं, और इनको मतलब डिलीवरी के टाइम पे उतार देना चाहिए, डीलरशिप वालों को पता रहती है फिर वो उतारते नहीं है, मतलब इसको अगर कोई स्कैन करेगा ना तो मतलब सब चीज़ पता लग जाएगी गाड़ी के बारे में, मतलब कब लिए कौन सा मॉडल है सब चीज़ें मेरी वगैरह सब चीज़। आपको इसकी रेयर लुक साइड लुक और मतलब फ्रंट लुक और वगैरह इसकी ऊपर से रूफ वगैरह क्या इसकी छत वगैरह मतलब शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, और आपको इसकी फ्रंट लुक ऐसी कुछ मिलती है ग्रिल वगैरह मतलब बहुत बढ़िया लगती है देखने में। तो मतलब मैंने आपको इसका एक्सटीरियर पूरा दिखा दिया, इसमें क्या क्या चीज़ हमें मिलती है स्किड प्लेट ग्रिल वगैरह आगे पीछे की और DRL और हेडलैम्प वगैरह सब चीज़ सारी यूनिट्स दिखा दी मैंने आपको कि मतलब आपको कैसी क्या चीज़ मिलती है, और साइड वगैरह से भी इसके मतलब ये ORVM कैसे आते हैं इनकी से मतलब काफ़ी ये भी बहुत लंबे लंबे आते हैं, इसमें मतलब आपको पूरी लुक प्रोवाइड होती है पीछे की भी आपको अच्छे से देखने में। तो एक्सटीरियर की बात हो चुकी है, अब हम बात करते हैं इंटीरियर की, और इंटीरियर में आपको मैं दिखाने से पहले मैं आपको पहले इसकी की दिखाना चाहूँगा। तो इसकी कुछ ऐसी कीज़ मिलती हैं, तो देख लो ऐसी दो की मिलती हैं वो कंपनी से फ्लिप की आती हैं इसमें वाली, अगर आप इससे एक ऊपर वाला वेरियंट लोगे तो उसमें आपको मतलब वैसी ऑटो वाली की मिलेंगी, तो मतलब आपको बस वो जेब में रखनी पड़ेंगी, बाकी आपको यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह सब मिलेंगे उस वाले मॉडल में अगर आप 15 वाले पे जाते हो, इससे एक ऊपर S पे या इससे और ऊपर वाले पे। पर लेकिन अगर आप उससे नीचे अगर आप EX लेते हो तो उसमें आपको ऐसी फ्लिप की मिलती है, पर लेकिन ये भी बढ़िया आपने क्या करना चाहिए अभी घुमानी तो है, तो मतलब वो चीज़ ज़्यादा बढ़िया है, वो सब तो बेकार के फीचर हैं, वो तो बस ऐसी ही हैं। तो ऐसी कुछ की मिल जाती है फ्लिप है, इसको जैसे दबाएंगे ऐसे खुल जाएगी, और इसको दबा के ही बंद करेंगे तो ऐसे बंद भी हो जाएगी, तो मतलब ऐसे बढ़िया कुछ मिलते हैं इसमें। और आगे की साइड आपको यहाँ होंडा का लोगो मिल जाता है, और पीछे की साइड अगर हम देखें तो यहाँ फ्लिप की तो मैंने आपको दिखा दी, और यहाँ पे लॉक अनलॉक और होल्ड का ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप मान लो इसको होल्ड करके रखते हो ना तो अब देखना पार्किंग लाइट ब्लिंक होती है इसके, इसका मतलब ये है कि बस केवल बूट खुली है आपकी, बूट अनलॉक हुई है, अगर आप देखो जैसे बूट खुल चुकी है अगर पता, लेकिन मैं ये चीज़ करूँगा तो ये मतलब कोई डोर नहीं खुलेगा, बस केवल आपका बूट खुलता है इससे। और हॉर्न तो भाई मतलब इतनी तेज़ है ना इसके, अगर कोई आगे बैठा है ना और उसको पता नहीं है गाड़ी है कोई भी है मतलब, और अगर एक साथ हॉर्न बजा दिया मतलब इसको अगर आप अनलॉक लॉक भी करते हो ना तो ये बहुत तेज़ हॉर्न बजते हैं इसके, देखो मैं आपको सुनाता हूँ, सुनना आप लॉक करने पर और अनलॉक पर सुनना, तो मतलब भाई हॉर्न तो बहुत ज़्यादा तगड़े दे रखे हैं कंपनी वालों ने, और हॉर्न पे तो कोई दिक्कत है नहीं मेरे को इसकी। भाई दो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रीमियम लगती है, एक तो इसका हॉर्न और एक दूसरे नंबर पे इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, वो उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा वीडियो में, तो आप वीडियो देखते रहिए। मतलब जैसे कि गाड़ी खड़ी है ना ऐसे और जो भी आ रहा है जा रहा है मतलब रास्ते में, तो भाई गाड़ी ना फेस टर्नर है, इस बारे में कोई शक नहीं है इस चीज़ पे, क्योंकि जो भी जाता है ना वो एक बार मुड़ के देखता ही देखता है। अभी दो तीन जने गए और रुक के पूछ रहे भाई कौन सी गाड़ी कौन सी, मतलब भाई ना गाड़ी नहीं पता, पर देखने में लुक बढ़िया लग रही है, तो मतलब उन्हें गाड़ी बढ़िया लग रही है, नाम वाम पता नहीं है गाड़ी का, और कह रहे भाई बढ़िया लग रही है यार कि कौन सा मॉडल है, फिर मॉडल पूछने लग गए। मतलब भाई फेस टर्नर ज़रूर है, कोई भी जाता है तो पीछे मुड़ के देखता है गाड़ी की कौन सी गाड़ी है, और मतलब गाड़ी के भाई मतलब वाइट और ब्लैक के दो कलर सबसे ज़्यादा चमकते हैं गाड़ी पे, और ये वाइट है तो वाइट भाई बहुत ज़्यादा चमकता है। तो देखो मैं आपको जैसे अनलॉक करूँगा ना मैं, और एक चीज़ और देखने से बाकी ये तो बाकी गाड़ी में आती है मारुति में तो आता, तो मतलब सब में आता ही होगा, देखो जैसे मैं खोल रहा हूँ
तो अगर मैं बैठूंगा नहीं ना गाड़ी में 30 सेकंड बाद ही ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी गाड़ी। तो चलो तो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ इसको खोल के। तो काफ़ी भारी है भाई, डोर काफ़ी भारी मिलते हैं ये। और इस साइड अगर हम देखें तो कुछ ऐसा मिल जाता आपको डोर इसका, और यहाँ पे को आपको थोड़ी वो मिल जाती है कहीं पे लग के फिर इस पे निशान ना जाए डोर पे। और ये मतलब वैसे तो बहुत पतले मिलते हैं इसके, पर बाकी इसकी जब सेफ्टी रेटिंग आएगी, जब पता लगेगी तो कितनी पानी में है कितने ऊपर है, तो मतलब यहाँ पे आपको ड्यूल टोन मिलती है गाड़ी में। चाहे आप कौन कोई सा मॉडल ले लो, चाहे आप टॉप मॉडल लो चाहे बेस लो, आपको यहाँ पे एक बीज प्लस ब्लैक ये दो कॉम्बिनेशन मिलता है, आपको मिलते ही मिलते हैं। ऐसे नहीं है आप मतलब अपने हिसाब से करवा सकते हो इसे कस्टमाइज, या आपको यहाँ पे ये मिलेगा और यहाँ नीचे की साइड आपको ब्लैक फिनिश मिलेगी। पर लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे मैंने किया भी देखी है तो किया में ना आपको यहाँ पे थोड़ा मतलब यहाँ पे तो जैसे थोड़ा सॉफ्ट काम हुआ हुआ है इस साइड, और अंदर भी थोड़ा सॉफ्ट काम है डैशबोर्ड पर। लेकिन अगर आप किया लेते हो ना तो किया पे आपको मतलब कहीं पे भी सॉफ्ट फिनिश नहीं मिलती, आपको सब जगह मतलब एकदम हार्ड प्लास्टिक यूज हुई मिलेगी। और यहाँ पे आपको मतलब अभी सब जगह टेप चुकी हुई मिलेंगी क्योंकि अभी एकदम नई गाड़ी, यहाँ पे भी आपको इस साइड भी टेप मिल जाएगी एरी लगी हुई, और यहाँ पे भी पूरे में टेप वगैरह लग रही है नीचे भी साइड में, और यहाँ पे भी आपको पूरे में पॉलिथीन लगी मिलेगी क्योंकि भाई अभी मैं चढ़वाऊंगा नहीं सीट कवर। अभी बिना सीट कवर की गाड़ी एकदम प्रीमियम लग रही है, और भाई सीट कवर में भी ये फायदा नहीं है क्योंकि अगर बकेट लगवाओ ना तो यहाँ से फाड़ेंगे वो इतना हिस्सा, तो उसके बाद जाकर नई लगाएंगे सीट। भाई मेरे को तो कुछ फायदा लगा नहीं कि मतलब नई सीट की कंपनी वाली सीट निकलवा के, कोई लोकल सीट है कोई मतलब कोई भी सीट कंपनी से भी लगाओ तो भी फाड़ के लगाएंगे, तो मतलब मेरे को लगा नहीं कि नई सीट निकलवा के नई सीट लगवाओ। और अंदर से मतलब काफ़ी अच्छा आपको स्पेस मिल जाता है गाड़ी में, तो सीट कवर भाई फैब्रिक के मिलते हैं आपको इसमें, और ये आपको सीट हाइट एडजस्टेबल भी, और आपको पीछे करने के लिए यहाँ पे मिलता है पीछे को। तो डोर कुछ ऐसे मिल जाते हैं, यहाँ आपको स्पीकर मिलते हैं और यहाँ आपको मिलता है ट्विटर, तो मतलब ये काफ़ी बढ़िया है यहाँ से देखने में। तो चलो तो फिर अंदर आ जाते हैं, मैं आपको अंदर दिखाता हूँ भाई, गर्मी बहुत है, एसी खोल के दिखाता हूँ मैं आपको सब कुछ। और देखो जैसे मैं गाड़ी की चाबी मैं देखो लॉक कर ली गाड़ी, और अब देखना जब मैं गाड़ी अनलॉक करूंगा तो यहाँ पे आप एनिमेशन देखना जो यहाँ पे आता है यहाँ MID पे। तो गाड़ी अनलॉक, फिर अब देखना आप ऐसा कुछ सिस्टम चेक आता बना हुआ, और यहाँ पे फिर आपको ये सब दिखाता है। और इसको गाड़ी को इग्निशन ऑन करने के लिए ना आपको क्लच दबानी पड़ेगी ऐसे, और उसके बाद जाके मैं जब ये घुमाऊंगा ना इसकी चाबी को, अब जाके ऑन हुई ये गाड़ी, उसके बिना होती नहीं ऑन। ये इस चीज़ बढ़िया लगी मेरे को, मतलब कभी कोई बच्चा बैठा उसने गलती से एसी खोलने के चक्कर में गाड़ी की चाबी घुमा दी ना तो उसमें मतलब खुलेगी नहीं गाड़ी, तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है इसमें कि ऐसी दिक्कत नहीं हो बाद में कभी कि कोई लगने लगाने कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ऐसा कुछ आपको इंटीरियर मिल जाता है इसमें, देख लो आप, आपको ऐसे एसी वेंट मिल जाते हैं गाड़ी में, यहाँ पे क्रोम का काम भी हुआ हुआ है, तो यहाँ पे अंदर को सॉफ्ट प्लास्टिक भी है, तो मतलब बढ़िया लगते हैं एक तरीके से देखने जा रहा है। और यहाँ पे आपको ऐसे कुछ एडजस्ट करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो और मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखो जैसे मैंने लॉक कर ली ना गाड़ी, तो देखो सारे हैंडल बंद हैं मतलब सब जगह, देखो ये चीज़ ये लॉक हो गई है, ये लॉक है अब ये। और अब अगर मैं ये चीज़ खोलना चाहूँ ना, देखो नहीं खुलेगी। और अगर मैं ये चीज़ ये वाला दरवाजा खोलूं बिना अनलॉक करें इसे, देखना अब देखो भाई ये चीज़ खुल गई, ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि ड्राइवर के लिए कोई इनकन्वीनियंट नहीं होनी चाहिए कोई चीज़। तो मतलब भाई बहुत बढ़िया फीचर्स मिलते हैं आपको इस गाड़ी के अंदर अंदर। सीटिंग फील बताऊं ना इसकी, मतलब बैठने के बाद कैसे लगता है, तो भाई काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं और फैब्रिक की मिलती हैं वैसे तो देखा जाए, पर लेकिन फिर भाई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है अपनी सीट वगैरह, और पीछे भी काफ़ी चौड़ी मिल जाती है सीट, तो मतलब तीन जने अपने आराम से, तीन एडल्ट मतलब आप आराम से बैठा सकते हैं सबसे पीछे भी, तो मतलब काफ़ी अच्छी सीटिंग मिलती है, स्पेशियस कार है अपनी ये। और अब बात करते हैं इसके इंटीरियर में क्या क्या फंक्शन मिलते हैं, फीचर क्या क्या मिलता है आपको इसमें। तो सबसे पहले भाई बात कर लेते हैं स्टेयरिंग व्हील की, तो स्टेयरिंग व्हील जो आपको मिलता है ना, आपको डी कट मिलता है यहाँ से, जो कि मतलब ग्रिप बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, और साथ में आपको ग्रिप बनाने के लिए आपको फिट एंड फिनिश कुछ ऐसा दे रखा है इस गाड़ी में यहाँ पे स्टेयरिंग व्हील में, जो कि मतलब ऐसे ट्राइंगुलर शेप में है ऐसे यहाँ पे है, और साथ में आपको यहाँ डी कट के साथ यहाँ पे आपको ऐसे कुछ मिल जाता है कि अगर आप मान लो हाईवे वगैरह पे गाड़ी चला रहे हो तो जैसे इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेयरिंग व्हील मिलता है, इसमें इलेक्ट्रिक है ये, तो ये स्पीड के हिसाब से अपने को हार्ड और वो करता है लाइट, तो जैसे अगर आप हाई स्पीड पे हो तो ये अपना हार्ड हो जाएगा बहुत। और अभी देखना जैसे गाड़ी ऑन है, देख लो इग्निशन ऑन है, RPM 1 पे है, तो जैसे भी ऑन है गाड़ी तो भी देखना स्टीयरिंग व्हील भाई इतना लाइट किसका हो सकता है आप बता दो, मतलब भाई इससे ज्यादा लाइट स्टीयरिंग व्हील तो मैंने किसी गाड़ी का देखा नहीं आज तक। अगर कोई हो तो कमेंट करके बताना, कोई और गाड़ी अगर ऐसे कोई प्रोवाइड करती हो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील इतना लाइट, और अगर आप मान लो 80 से ऊपर जाओगे ना तो ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है अपना आप, तो मतलब उधर को टर्न लेना कहीं तो आपको ऐसे घुमाना पड़ेगा लाइट उस पर, और अगर ये हार्ड हो जाता है ना तो आपको बस इतना करना ये इतने में ही घुमा देगा गाड़ी को, तो मतलब काफ़ी अच्छा वो मिलता है स्टीयरिंग व्हील का फीचर आपको किस्म की इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील है। अब बात दूसरी कर लेते हैं, दूसरी बात आती है स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल्स की,
तो सबसे पहले हम यहाँ के देखते हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है वॉइस असिस्टेंट का फीचर, ये साइड ये बन रहा। तो अगर मैं इस पर दबाऊंगा तो यहाँ देखना, ये रहा। पहले मैंने अभी कुछ करा नहीं है, मैंने ऐसे कुछ कार प्ले वगैरह उससे मतलब एंड्रॉइड से कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद काम करता है ये। और अगर यहीं आप अगर आप टॉप वेरिएंट में जाओगे इसके SX या XX ऑप्शनल में, तो उसमें आपको पहले से इनबिल्ट मिलता है, तो उसमें सनरूफ वगैरह भी आती है ना इस साइड। तो अगर आपको खोलना तो आप इससे ही बोल दो ओपन सनरूफ, तो अपना आप खोल देगा वो, तो आपको मतलब वो चीज़ मिलती है। पर लेकिन ना कोई वो नहीं है, एप्पल कार प्ले कर लो तो एप्पल का बढ़िया चलता है इसमें। फिर आप यहाँ पे मोड की बात करते, तो मोड पर जब मैं यहाँ पर दबाऊँगा तो मोड पे भी यहाँ पे दिखा रहा है नो मीडिया, क्योंकि अभी मैंने कुछ USB वगैरह कुछ चीज़ नहीं लगा रखी ना फोन से कनेक्ट है ना किसी चीज़ से, अभी केवल FM चल रहा है इसमें, तो ये केवल FM दिखाएगा इसमें और कुछ नहीं दिखाने का। फिर नीचे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको ये मतलब वो ट्रैक वगैरह गाने करने चेंज, तो वो सब मिल जाता है आपको यहाँ। और यहाँ पे आपको कॉल उठाने का और यहाँ कॉल काटने का, ये यहाँ पे ये सब ऑप्शन मिलते हैं आपको। पर लेकिन इसमें एक फीचर मेरे को ऐसा लगा, मतलब जब ये गाड़ी नई नई ली थी ना, तो मैं अगर आवाज़ तेज करता था तो मैं इसको जैसे आवाज़ तेज करने के लिए ऊपर करते हैं इसे, तो और नीचे अगर कम करनी है तो इसको नीचे करते हैं। पर लेकिन ये चीज़ इसमें उल्टी मिलती है, आपको अगर आवाज़ तेज करनी है तो आपको ये ऊपर करना पड़ेगा। पर लेकिन अगर आपको इसमें ट्रैक अगर मतलब नेक्स्ट लगानी है ना प्रीवियस की जगह, तो आपको नेक्स्ट के लिए नीचे करना पड़ेगा ऐसे, तो ये रहा। और अगर आपको बैक करना है तो आपको ये ऊपर करना पड़ेगा, मतलब ये दोनों एकदम अपोजिट हैं एक दूसरे के। अगर आपको आवाज़ बढ़ानी तो ये ऊपर, और अगर आपको गाना नेक्स्ट करना है तो आपको ये नीचे, और अगर आपको आवाज़ कम करनी है तो ये नीचे, और अगर आप गाना पीछे करने के लिए आपको ये ऊपर करना पड़ेगा, तो मतलब ये उल्टे हैं दोनों। तो इसमें आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन मिल सकती है, ये किया में भी सेम यही चीज़ मिलती है ऐसी। फिर अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो ये जो जगह है क्रूज़ कंट्रोल के लिए है, पर लेकिन जैसा कि अगर आप इसके एक मॉडल अप पे जाओगे, इसके मतलब एस पे जाओगे, तो आपको यहाँ क्रूज़ कंट्रोल मिलते हैं, पर लेकिन इसमें आपको कुछ नहीं मिलता। बात करते हैं जो ये कंट्रोल, तो इनका ये सिस्टम है कि जैसे मान लो अगर मैं लाइट इसकी बढ़ाऊंगा ना, तो देखो जैसे मैं लाइट खोली है इसकी DRL, तो यहाँ पे आपको दिखा देगी इसने कि मतलब सिंपल लाइट खुल रही है। मैं बंद करूंगा तो यहाँ दिखाएगा ऑफ, यहाँ पे ऐसा साइन बनाएगा। और अगर मैं इसकी ऊपर एकदम हाई बीम खोल दूंगा तो हाई बीम के लिए कुछ ऐसा दिखाएगा इसमें, देखो। तो ये चीज़ मतलब बढ़िया लगती है आपको, मतलब अंदर सारी चीज़ें पता लगती है। अगर आप गाना भी चेंज कर रहे हो ना अपने फ़ोन से, तो आपको वो भी चीज़ यहाँ पे शो होगी ऊपर को कि आपने कोई चीज़ चेंज करी है अपने एप्पल कार प्ले कहीं से भी। फिर अब बात कर लेते हैं, मैं बंद कर लेता हूँ इसको, तो ये थोड़ी ब्राइटनेस की बढ़ जाती है इसके बंद करती, तो यहाँ पे आपको ये सब फीचर मिल जाते हैं। अगर अब मैं इसको यहाँ पे दबाता हूँ तो ये चीज़ राइट में शिफ्ट हो जाती है, देखो राइट में क्या क्या मिलते हैं आपको फीचर इसमें। यहाँ पे आपको फ्यूल इकोनॉमी मिल जाती है, और अगर आप राइट में करते हो आपको सेटिंग मिलती है। तो सेटिंग में आपको इसके ऊपर मतलब ये लाइट डोर साउंड कन्वीनियंस और सर्विस वगैरह आप सेट कर सकते हो, कि आपने मतलब आज सर्विस करवाई है तो इसकी नेक्स्ट सर्विस जब भी होगी गाड़ी आपको रिमाइंडर दे देगी गाड़ी सर्विस होनी है, और चाहो तो आप इसको यहाँ से रीसेट कर सकते हो। तो ये सब फीचर मिल जाते हैं। अगर मैं इसको वापस से प्रेस कर दूँ, तो आप अगर नीचे करते हैं यहाँ से, तो यहाँ सबसे पहले फ्यूल एवरेज दिखाएगा यहाँ पे फ्यूल इकोनॉमी मतलब। फिर आप इसको नीचे करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपने गाड़ी कितनी देर चलाई है, उसको कब चलाई है इसकी किस टाइम, और मतलब कितना एवरेज दिया था और कितने किलोमीटर चलाई है गाड़ी। फिर नीचे करते हैं हम इसे, तो यहाँ पे ड्राइव इन्फो दिखाती है कि देखो जैसे भी मैं घर से यहाँ तक आया तो मेरे घर के पास में ये लोकेशन, ये तो ये मैंने 1:18 चलाई है केवल, और 14.9 का एवरेज दिया इसने मेरे को, और इतने किलोमीटर मतलब चली होगी जो भी है। तो और यहाँ पे अगर आपको डिजिटल चाहिए अपनी स्पीड वगैरह, तो आपको यहाँ दिखाती है। और मैं अगर आपको एक बार इसमें ड्राइविंग करके दिखाता हूँ, तो ये अब देखना जैसे मैं रेस दूंगा RPM में, और कैबिन देखना मतलब कितना साइलेंट है इसका फुल रेस लेने पे भी। 5 तक तो भाई यूं ही पहुंच जाता, पता है लगती गाड़ी में कि मतलब कुछ है भी। और पिकअप तो भाई क्या कहूँ, मतलब बहुत तगड़ा पिकअप मिलता है इसमें। और ये आपको ऐसा कुछ एंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है इसमें, आपको ये टाइम वगैरह और मतलब एप्पल कार प्ले वगैरह सब चीज़ मिल जाती है। देखो यहाँ पे फोन प्रोजेक्शन पे आके आपको सब मिल जाता है, और USB वगैरह का सब चीज़ों का फंक्शन है। और यहाँ आपको ऐसे AC मिलते हैं, और आपको यहाँ पे तो मतलब प्लास्टिक मिलती है, पर लेकिन आपको यहाँ ग्लॉस ब्लैक और सिल्वर फिनिश के साथ ऐसे मिल जाते हैं। तो मतलब ये काफ़ी भाई प्रीमियम लगता है, आप कोई देख के कह नहीं सकता आप बेस मॉडल चला रहे हो गाड़ी का। वैसे तो बेस से एक नीचे वाला, पर लेकिन फिर भी कोई कह नहीं सकता गाड़ी को देख के कि हाँ कुछ है भाई ये, कि मतलब नीचे वाला वेरियंट है ऊपर वाला नहीं है। तो आपको ऐसे कुछ मिलता है। और यहाँ पे आपको 12 वाल्ट का सॉकेट मिल जाता है, और यहाँ पे आपको USB, और यहाँ फास्ट चार्जिंग मिलती है आपको। और सबसे ज़्यादा मेन बात करें ना भाई इसकी, तो ये है गियर नॉब जो है ना इसका। अगर आप किया पे जाओगे किसी पे भी, अगर आप बेस वेरिएंट या बेस से ऊपर वाला भी ले रहे हो ना, तो भी आपको ब्लैक फिनिश में मिलते हैं। मतलब फिनिश क्या है भाई, फिनिश तो कुछ है ही नहीं, मतलब ब्लैक दे दिया आपको प्लास्टिक एकदम, वो भी सुकड़ी सी, तो ऐसी कुछ मिलती है। और अगर आप इसका बेस वेरिएंट भी ले रहे हो, देखना कितनी ज़्यादा चमक है इसमें होंडा की। अगर आप किसी गाड़ी में बेस भी लेते हो ना मैनुअल में,
तो आपको कुछ ऐसा गियर नॉब मिलता है इसका चमकने वाला, तो मतलब ये काफी बढ़िया लगता है देखने में। और पावर ब्रेक कुछ ऐसे मिलते हैं, और यहाँ पे आपको दो कप होल्डर मिल जाते हैं, थोड़ा बड़ा मिलता है और ये थोड़ा छोटा मिलता है। और यहाँ पे आपको सीट के ये सीट बेल्ट लगाने के लिए आपको यहाँ मिलती है, आप एडजस्टेबल है ये चीज़ भी। और यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट मिल जाती है भाई, ये काफी ज्यादा आरामदायक है। मतलब मैं जैसे बता रहा हूँ ना, मेरे गियर डालना और भाई मतलब ठीक ठाक है, हाथ मेरे ना ज्यादा छोटे ना ज्यादा लंबे हैं, तो जैसे मान लो मेरे गियर डालना तो मैं अपना हाथ ऐसे रखूंगा यहाँ पर, ऐसे डालूंगा ना मैं, तो भाई मतलब काफी बढ़िया लगते हैं डालने में। मतलब हाथ रखे रखे अपना डल जाते हैं, ऐसे नहीं कि हाथ ऐसे भाई ऐसे उठाना पड़ेगा तो उसके बाद डालो, तो मतलब आराम से हाथ रख के ऐसे कुछ भी कर लो, काफी प्रैक्टिकल है हमारा, ऐसे नहीं है बस नाम नाम की देती है। और अब बात करते हैं इसकी स्पीकर की, तो भाई स्पीकर आपको यहाँ ट्विटर, दो ट्विटर आपको एक यहाँ एक यहाँ, और बाकी चार स्पीकर मिलते हैं आपको यहाँ पे, एक दो और ऐसे ही दो पीछे मिलते हैं। तो अगर आप कोई गाने वाने ज़्यादा सुनने के शौकीन हो ना अब, तो आपको ये स्पीकर जो है डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, मतलब बहुत बढ़िया चलते हैं स्पीकर वगैरह जो है ये। और अब इनकी क्वालिटी भाई बहुत बढ़िया है, मतलब डिसेंट बेस है अपना, और भाई बहुत ज़्यादा क्लियरिटी है वॉइस में स्पीकर इसकी, तो मतलब और इंफोटेनमेंट तो बहुत ज़्यादा, मतलब भाई ऐसे मान लो कि नहीं टकता तो है ही नहीं, कुछ जो करना वो कर लो, देखो मैं इस पर करूँ तो मतलब कुछ भी करना भाई बहुत ज़्यादा फ्लूइड है एकदम, ऐसे नहीं है कि अटकता हो कहीं पे, बहुत ज़्यादा मतलब बढ़िया चलता है। और सेम क्वालिटी इनकी स्पीकर उसके भाई, स्पीकर आर्किमिडीज़ का सिस्टम मिलता है आपको, साउंड सिस्टम ये देखो सेटिंग पे जाके अगर मैं साउंड पे करूँ तो ये लिखा प्रीमियम साउंड मिलती है, और आर्किमिडीज़ के मिलते हैं आपको इसमें, अभी दिखाएगा नहीं और वो धूप की वजह से आपको दिखेगा नहीं, देखो आर्किमिडीज़ करके कुछ दिखाया, तो आर्किमिडीज़ के आपको प्रीमियम साउंड सिस्टम मिल जाता है इसमें, तो मतलब बढ़िया क्वालिटी है बेस की, और जब गाना चलता है तो आवाज़ यहाँ से भी आती है और नीचे से भी, तो कॉम्बिनेशन मतलब बैलेंस हो जाता है, तो बहुत बढ़िया लगता है सुनने में। भाई अगर हम बात करें अब एसी की, तो एसी की जो भाई एफिशिएंसी है ना बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मतलब एक नंबर से ज़्यादा मैंने चलाई नहीं अभी तक, और एक नंबर से ज़्यादा चलाई जरूरत भी नहीं, मतलब गर्मी भाई बहुत ज़्यादा हो रही है। अब टेम्परेचर देखो कितना दिखा रहा है यहाँ, 49 डिग्री दिखा रहा है भाई, बहुत ज़्यादा है नोएडा मतलब दिल्ली एनसीआर साइड में, तो फिर भी भाई मतलब एक नंबर पे काफ़ी बढ़िया हवा मिल जाती है आपको, ऐसे कोई नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब दो नंबर पे चलाना पड़ेगा। और देखो अगर मैं आपको तीन नंबर पे दिखाऊं, दो नंबर पे चलो मैं, दो नंबर पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप एसी की आवाज़ सुनना, तो मतलब भाई एक तो क्या पता नई गाड़ी इसलिए है पर, लेकिन है भाई एसी मतलब काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है इसका, अगर गर्मी बहुत ज़्यादा, आप टेम्परेचर देख लो भाई खुद, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है भाई फिर भी अंदर एकदम कूलिंग कर रखी है। और IRVM आपको कुछ अंदर ऐसे मिल जाते हैं, ऑटो एडजस्टेबल नहीं मिलता, आपको खुद करना पड़ेगा अपने आप से, और यहाँ पे आपको ऐसे कुछ लाइट मिल जाती हैं, और यहाँ पे सनग्लास होल्डर मिलता है आपको, और मेरे ख्याल से यहाँ माइक्रोफोन मिल जाते हैं आपको, ये यहाँ पे देखो छेद से दे रखे हैं ये दो दो, तो यहाँ मेरे ख्याल से माइक्रोफोन है दोनों। तो अंदर से मैंने आपको गाड़ी पूरी दिखा दी आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, और देखो अभी एक फीचर और है इसमें भी, अब देखो जैसे मैंने गाड़ी की चाबी निकाल दी है, तो देखो ये MID और ये इंफोटेनमेंट, ये दोनों चीज़ चलती रहती है जब तक बंद नहीं होगी, जब तक मैं ये चीज़ नहीं खोलूँगा यहाँ से, जब देखो जैसे मैं खोलूँगा ना गेट, अब देखना देखो तो यहाँ पे दिखा दिया इसने कि ये है, तो मतलब भाई काफ़ी बढ़िया फीचर्स हैं इसमें, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप नहीं चला पाओगे इसको, तो भाई डोर काफ़ी हैवी है खोलने के लिए, पूरा दम चाहिए, ऐसे नहीं कि एक हाथ से खुल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं हम रेयर स्पेस की, तो रेयर में आपको क्या मिल जाता है वो बताता हूँ मैं अब आपको, तो रेयर कुछ सीटिंग वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखो भाई काफ़ी बढ़िया लगती है अपनी वाइट कलर में भी, और रिबन वगैरह तो भाई मेरा कोई प्लान है नहीं अभी छुटाने का, अपना भी छुटेंगे जब भी छुटेंगे अपने, मैं तो निकालूंगा नहीं, तो आपको रेयर कुछ ऐसे मिल जाती है रेयर सीट्स, और पीछे भी आपको AC वेंट मिलता है, और इतना कुछ कैरी अगर कुछ कर रहे हो आप तो यहाँ रख सकते हो। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ बैठ के कि आपको कितनी स्पेस मिल जाती है, तो देखो मैंने पीछे वाली सीट अपनी फुल एडजस्ट कर रखी है पीछे की साइड में, तो अब जैसे मैंने ये चीज़ कर ली, अब देखो भाई मैं, और भाई थाई सपोर्ट जो होता है ना काफ़ी बढ़िया है इसके, एकदम आगे तक आ रही है घुटनों, तो ये चीज़ बहुत बढ़िया। और अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो ये देखो टच नहीं हो रही है भाई अब भी, जबकि मैंने एकदम पीछे कर रखी है, और ऐसे भी स्लाइड कर रखी है पीछे को, तो मतलब ऐसा कुछ मिल जाता है आपको इसमें। और ये सिटिंग में भाई देखो जैसे मैं बैठा हूँ ना अभी, तो मेरे जैसे भाई दो जने और बैठ सकते हैं अपने आराम से, देखो इतनी जगह भी खाली है, और यहाँ पे आर्म रेस्ट नहीं है, आर्म रेस्ट अगर आपको चाहिए तो आपको इसके लिए टॉप मॉडल पे जाना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ आपको मिलता है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे भी ड्यूल टोन में इंटीरियर मिल जाता है इसका, ये ब्लैक फिनिश में आती है, पावर विंडोज वगैरह के स्विच मिल जाते हैं, तो आपको रेयर सीटिंग कुछ ऐसी मिल जाती है, मतलब बढ़िया है अपनी। और अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बार इसका बूट स्पेस, तो भाई पीछे से अगर आपको उठना है ना, उतरना है पीछे से भी, तो मतलब आपको काफ़ी आगे पैर रखने पड़ेंगे क्योंकि काफ़ी ऊँची है गाड़ी, ऐसे इसको प्रेस करोगे ना ये देखो, और यहाँ पे ऐसी कुछ बूट स्पेस मिल जाती है आपको, मतलब 445 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, और पार्सल ट्रेस में नहीं आती पर हमने लगवाई अलग से, इसमें आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है 16 इंचेस का, तो काफ़ी भारी है चीज़ भी जो नीचे लगा रखी है, तो 16 इंचेस का आपको ये मिल जाता है इसमें।
और यहाँ पे आपको इसका ग्रैब हैंडल मिल जाता है इसको नीचे करने के लिए। और यहाँ देखो ये कैमरा हमने यहाँ लगवाया इसका अलग से, तो इसका भी मतलब भाई क्वालिटी इसकी बढ़िया है। इसकी ऊपर मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा आपको तो, और अगर आप ये आराम से बंद करते हो तो होती नहीं, आपको थोड़ी तेज़ बंद करनी पड़ती है। ये देखना अब जाके बंद हुई है, वरना आगे दिखा रहा था कि ये डिग्गी खुली हुई है। और भाई बात कर लेते हैं इसके इंजन की, तो इसमें 1500 cc का डीजल इंजन मिलता है, CRDI 16V। तो देखो भाई काफ़ी ज़्यादा भारी बोनेट मिलता है आपको इसमें, और ऐसा कुछ इसमें CRDI 16V आपको ये मिल जाता है, यहाँ इंस्टॉलेशन मिल जाती है। और बस सुनना भाई, बस आप लो इस टाइम इग्निशन ऑन है गाड़ी का, और ऐसी कुछ आवाज़ आती है भाई, बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं है, और अंदर बैठे हो ना आप गाड़ी में तो आपको सुनाई भी देगी, कुछ है आगे, कुछ चल भी रहा है। तो बस भाई वीडियो में आज ये था, बाकी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।